एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स या पर, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं राधा कृष्ण शो के बलराम यानी कि बसंत भट्ट की। वैसे तो बसंत भट्ट अब काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुके हैं अपनी स्टार कास्ट के साथ, अपनी ऑफ स्क्रीन टीम के साथ, लेकिन जब वो नए नए इस शो में साइन किए गए थे तब वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहा करते थे, जिसे देखकर उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उनसे क्या कुछ सवाल किए, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर मौका था बसंत भट्ट के बलराम दाऊद में ट्रांसफॉर्म होने का, उनके मेकअप का, जहाँ पर उनके मेकअप आर्टिस्ट ने पूछा कि आप इतना कम क्यों बोलते हैं, क्या आप घर में भी इतना शांत रहते हैं? तो बसंत ने अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ क्यों, थोड़ा अजीब है क्या ये? मतलब मैं क्या करूँ, मैं कैरेक्टर में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ। कभी कभी मैं अपनी लाइंस याद कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पर मैं मस्ती क्या ही करूँ, और मस्ती करने के लिए साथ में कोई होना भी तो चाहिए। आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, तो सब अपने काम में ही बिजी रहते हैं। लेकिन बलराम का जो कैरेक्टर है वो उल्टा है, वो मस्ती करने वाला कैरेक्टर है। तो बस यही डिफरेंस है रियल बसंत और बलराम में, कि बसंत शांत है, बलराम थोड़ा सा मस्तीखोर है और बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है। वेल, आपकी तरह हम तो यही समझते हैं कि आपकी जितनी भी बॉन्डिंग सुमित के साथ है उतनी शायद ही सेट पर किसी और के साथ होगी, क्योंकि बसंत सुमित के साथ तो आप हमेशा मस्ती के मूड में ही स्पॉट किए जाते हैं। वेल, आपका क्या ख्याल है कॉमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।